तब लोग वे मन खिते जो पहले अंध छो वे ते फरीसी दल का लोगों में ली गए नी किले की जै दिन यीशु माटे ते भिजा के अंधक आंखियों ते खूब कह रही छो वो शब्द को दिन छो। फिर फरीसी दल का लोगों भी वे ते पूछी तुकन के दिखन लगी गए। तब वेन ऊँ ते जवाब देई वेन माटे ते भिजाए और मेरा आंखियों पर लगाए फिर मिन धोई और दिखन लगी गयो। ई बात का बाना कुछ फरीसी बुलन लगी गए नी कि यू मन की परमेश्वर की तरफ बटी नी आयु किले की यू शब्द का दिन ते मणदो ही नीच। पर दूसरा लोगन बोली कोई पापी मन की इन चिन्ह चमत्कार कन के कर सकदु इले ऊ लोगों का बीच में फूट पड़ गए। तब जो अंधु छो वे को फरीसी दल का लोगन बोली जैन तेरा आंख खूब कैरिन वे के बारे में तू के बोल दी। वेन बोली वो तो परमेश्वर को एक रहबरिया छे। पर यहूदियों का मुखियों ते फिर भी विश्वास नहीं भे कि वो अंधु छो और अब दिखन लगी गए। इले ऊन वे का बेबोन ते बुलाए और ऊ ते पूछी क्या यू तुम्हारो इनौन छ जय के बारे में तुम इन बोल छा कि वो तो जन्म बटी ही अंध छो फिर अब उकन के दिखन लगी गए। तब वे का बेबोन जवाब दे हम तो जानदा छा कि यू हमार नौन छ और अंध जन्मी छो पर हम यू नहीं जानदा कि वो कन के दिखन लगी गए और यू भी नहीं जानदा कि कैन वे ते खूब कैरी। पर तुम वे ते पूछ लिया कि लेकिन अब वो बड़ू है गे और वो अपना बारे में अब ही बोल सकदू छे। वे का बेबा यहूदियों का मुखियों बटी डोड़दा छा इले ऊन इन बोली कि लेकिन यहूदियों का मुखियों ने एक सलाह बनायेल छे कि जो कोई भी इन मानी दयालु कि यीशु ही मसीह छे वे ते हमेशा खुणे आराधनालय बटी भैर कैर दिए जालू। इले वे का बेबोन बोली वो बड़ू है गे तुम वे ते ही पूछ लिया। तब ऊन वे मन खिते जो कि पहले अंधु छो दूसरी दो बुलाए और वे को बोली परमेश्वर की कसम खा के सच बोल और हम तो जानते छा कि वो एक पापी मन खिच। तब वेन जवाब दे मैं नहीं जान दू कि वो मन की पापी च या नीच पर मैं तो केवल इतना जान दू कि मैं अंधु छो और अब दिखन लगी गयो। तब ऊन वे ते पूछी वेन तेरा दगड़ा मा के कह रही और कन के वेन तेरा आंख खूब करी नी और वेन ऊकू बोली मिन तुम मा यू पहली भी बोलेल छो पर तुम नी सुनी अब दूसरी दो किले सुनन चाहना छा क्या तुम भी वे का चेला होन चाहने। फिर ऊ वे को जय कुछ बोलन लगी गेनी और बोली हम तो मूसा का चेला छा पर तू ही वे को चेला छा और हम तो जानदा छा कि परमेश्वर ने मूसा का दगड़ मा बात कर पर हम तो ये मन की तनी जानदा कि यू कक बटी अयू छे। तब वे मन खिन जवाब दे यह तो बड़ी ताजुब की बात छ कि तुम नहीं जान दिया कि वो कखो छ पर फिर भी वे मेरे आंखियों ते खूब कर दी नी हम तो यू पता छ कि परमेश्वर पापी मनखियों की नी सुन दू पर जो कोई परमेश्वर को भक्त छ और वे की मनसा पर चल दू तो वे की ही सुन दू छ और दुनिया की शुरुआत बटी कभी भी इन सुनन मा नहीं आई कि कैन भी जन्म का अंधा का आंखियों ते खूब कह रहे हो। इले अगर यू मन की परमेश्वर की तरफा बटी नहीं हो दू तो यू कुछ भी नहीं कह सकदू। फिर उन वे को झिड़की के बोली तू तो बिल्कुल पापों में पैदा हुई छे और तू हमते के सिखौनी छे। तब उन वे ते आराधनालय बटी बेदखल कर दीनी। फिर यीशु ने सुनी कि यहूदियों का मुखियों ने वे जन्म का अंधा ते भैर निकाल ले ली। तब यीशु जय के वे बटी मिली और वे को बोली क्या तू मनखी का पुत्र पर विश्वास कर दी। तब वे जवाब दे श्रीमान उकूच कि मैं वे पर विश्वास करूं। यीशु ने वे को बोली तीन वे ते देख छ और जो तेरा दगड़ में बात करो छ वो वही छ। तब वेन बोली प्रभु मैं विश्वास कर दू छो और वे का खुटो में हाथ जोड़ के पड़ गए। तब यीशु ने बोली मैं एले आयू कि इन दुनिया को न्याय मेरे द्वारा किए जो कि लेकिन जो नहीं देख सकदिन वो देखने लग जा और जो देख सकदा छिन वो अंध हो जा। और फरीसियों में बटी जो वे का दगड़ मा छा और वे की बातों ते सुनना छा उन वे को बोली क्या हम भी अंध छा। तब यीशु ने ऊ को बोली अगर जो तुम अंध होंदा तो तुम पर पापों को दोष नहीं लगाए जांदू पर तुम बोल दिया कि हम ते दिखेंदू छे इले तुम पर पापों को दोष लगदू छे।